जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप हनुमान जी के पावन पर्व पर आप रहस्यमय ज्ञान सुन रहे हैं। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट, हम हनुमते रुद्रात्मकाय 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 हुम फट। ओम ह्रीम हनुमते राम दूताय नमः, 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 ओम ह्रीम हनुमते राम दूताय नमः। राम के शिष्य श्री हनुमान जी बजरंग बली, तो हनुमान जी को बजरंग बली क्यों कहते हैं? शरीर के बल को बल क्या कहा जाता है क्या? इंद्रियों को संस्कृत भाषा में अक्ष भी कहा जाता है। हनुमान जी के समक्ष पहली शक्ति कौन सी आई? राम रावण युद्ध में, तो कहते हैं अक्षय कुमार के रूप में आई थी। तो हनुमान ने इंद्रियों की शक्ति वाले अक्ष का नाश कर दिया। मेघनाथ में इंद्री बल के साथ साथ काम बल भी था। आप सभी लोग यह भली भांति अच्छे से जानते हैं कि काम का बल भी बहुत भयानक होता है, और काम का बल नकारात्मक ही होता है और भयंकर भी होता है। हम ऐसे लौकिक जीवन में भी देखते हैं कि एक दुबला पतला व्यक्ति बलात्कार करने का प्रयास करता है और कई बार कर भी डालता है, और वह ऐसा इसलिए करता है कि काम के बल की वजह से करता है। हनुमान अर्थात जिसने अपने मान का हनन कर दिया हो वो हनुमान, हनुमान। यानी जिसने अपने मान का हनन कर दिया हो वह हनुमान हो गए। तो हनुमान जी, जैसा कि आप सबको पता ही है, ब्रह्मचारी थे, तो उन पर काम के बल का कोई प्रभाव तो पड़ता ही नहीं था। और वह रावण जो कि इंद्रिय और काम के साथ साथ अहंकार का रूप भी था, वह जो है उनके पास पहुंचकर उनका अहंकार डिगाना चाहते थे, अतः मोह पाश में हनुमान जी को बंधना पड़ा। अर्थात वह जो काम को अपने वश में रख सके, इंद्रियों को अपने वश में रख सके और अपने बल मन बुद्धि चित्त अहंकार को प्रभु के चरणों में डाल दे, वास्तव में बलि वही है। अब बल शब्द का आपको अर्थ समझ में आ गया होगा।
ऐसे ही हनुमान जी के बारे में और भी बहुत सी चीजें हैं जिनसे आप सीखने को मिलता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।